ये जो फूल देख रहे हैं शाम होते ही, ये अपनी खुशबू से आपके पूरे गार्डन को महका देगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लावरिंग का प्लांट है, और ये गर्मियों का प्लांट है। बहुत ही जल्दी इसके अंदर आप देख रहे हैं ब्रिक ब्रिक, इसके अंदर जो फ्लावरिंग के बर्ड्स आ रहे हैं, और ये बहुत ही जल्दी ब्लूम करने के लिए रेडी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। ये जो स्क्रीन पे खूबसूरत सा आप फ्लावरिंग का प्लांट देख रहे हैं, और ये इसका जो फ्लावर देख रहे हैं खूबसूरत सा वाइट कलर का, ये प्लांट शाम होते ही काफ़ी अच्छी खुशबू देना शुरू कर देता है। और ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट है, और ये देखिए किस तरह से बहुत सारी जो है मधुमक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अट्रैक्ट इसीलिए हो रही हैं, बेसिकली ये जो प्लांट है खुशबू देने वाला प्लांट है, और खुशबू देने वाले प्लांट काफ़ी आते हैं जिनको आप अपने गार्डन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। उनमें से एक प्लांट आज हम बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे चलने से पहले, अगर आप हमारे वीडियो के ऊपर चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो बहुत सारे जो हैं खुशबू के प्लांट आते हैं, उनके अंदर काफ़ी भिनी भिनी खुशबू आती है। जैसे कि एक प्लांट आता है जैस्मिन का, और उसके अलावा इसको रात की रानी का प्लांट भी आता है एक अलग से, और रोज़ के प्लांट हैं, काफ़ी तरह के जो हैं खुशबू देने वाले प्लांट्स आते हैं मार्केट के अंदर आज के समय के अंदर। तो ये जो प्लांट आप खूबसूरत सा देख रहे हैं, इस प्लांट का नाम है मधुकामनी, और ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, और सर्दियों के अंदर भी ये फ्लावरिंग करता रहता है, और गर्मियों में इसके अंदर मैक्सिमम स्टे फ्लावरिंग होती है, और इस प्लांट की केयर बिल्कुल लो तरीके से होती है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आप बेसिकली इस प्रकार से जो है 12 इंच के गमला ले सकते हैं। ये हमारा 12 इंच का गमला है, और इसकी जो सॉइल मिक्स की बात करें तो इसके अंदर सिंपल तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 12 इंच का गमला लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो गमला है वो वेल ड्रेन्ड गमला होना चाहिए, और इसके अंदर जो है आपने 50% है जो गार्डन सॉइल लेनी है, और 30% इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट ऐड ऑन करनी है, और 20% इसके अंदर आप नीम खली को ऐड ऑन कीजिए। और ये प्लांट आप नर्सरी से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए किस तरह इसके अंदर काफ़ी संख्या के अंदर जो ब्रीक ब्रीक बर्ड्स आ रहे हैं, आपको थोड़ा मैं और क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर ये सारे के सारे फ्लावरिंग के बर्ड्स हैं, और इस समय ये पूरा का पूरा भरा हुआ है फ्लावरिंग के बर्ड से। यकीन मानिए जब ये ब्लूमिंग करनी शुरू करेंगे तो इसके पास से इतनी ज़्यादा ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्लांट को आप नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं, और आप इसको इसके बीज के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। अभी गर्मियों का समय है तो इसके अंदर बीज भी आने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए ग्रीन कलर का आपको बीज दिख रहा है, ये देखिए ये इसका बीज है। इससे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं बीज को, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आके अपना एड्रेस बताइए, हम आपको ये प्लांट का बीज भी दे देंगे। तो या आप इसको कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। ये प्लांट आपको नर्सरी से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये प्लांट आपको अप्रोक्स 100 से 150 रुपये का मिलेगा, और ये जब फ्लावरिंग करनी शुरू करता है तो इसके अंदर वाइट कलर के बहुत ही ज़्यादा गुच्छे के अंदर, बंच के अंदर फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। और इसकी केयर की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल केयरिंग वाला प्लांट है ये। इसको आपने 15 से 20 दिन के बाद इसके अंदर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ही ऐड ऑन कीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड ऑन करनी है आपने गुडाई करने के बाद, अपने इस प्लांट की जो है 1 से 1.5 इंच आपने गुडाई करनी है। गुडाई करने के बाद आप अपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा, जो कि वर्मी कंपोस्ट के रूप में है, गोबर की सड़ी हुई खाद के रूप के अंदर। तो और सबसे आपने मेन ध्यान रखना है इस प्लांट के अंदर वाटरिंग का। वाटरिंग गर्मियों का समय है, इसके अंदर वाटरिंग आपने सुबह और शाम दो समय के अंदर करनी है। मतलब इसके प्लांट के मिट्टी के अंदर आपने नमी को बरकरार रखना है। देखिए कितनी सारी जो है हमारे इस प्लांट के ऊपर हनी बीज आ रही हैं, और ये सारी की सारी हमारे जो जितने भी फ्रूट्स के हमने प्लांट लगाए हुए हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, उनके फ्लावर को पॉलिनेशन करने का बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी।
और आपने इसकी केयर, प्लांट की केयर के लिए आपने एक चीज़ और का ध्यान रखना है, आपने अपने इस प्लांट को सेमी शेड में रखना है गर्मियों में, इसको बिल्कुल भी ओपन टेरेस के अंदर धूप में नहीं रखना है, इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिले। यकीन मानिए आप इसको धूप जरूर लगवानी है आपने अपने इस प्लांट को। ये बेसिकली इंडोर और आउटडोर दोनों तरह में रखा जाता है, लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा कि आप इसको आउटडोर के अंदर ही रखें, क्योंकि इसके जो बर्ड्स को ब्लूम करने के लिए, फ्लावर के बर्ड्स को ब्लूम करने के लिए धूप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप इसको सेमी शेड के अंदर रखिए और शाम होते होते इसके जो है फ्लावर खुद ब खुद खिलने शुरू हो जाएंगे और आपके गार्डन को बहुत ही ज़्यादा महकाना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपको टेंशन अगर थोड़ी सारी रहती है तो वो भी स्ट्रेस माइंड से आपके निकल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे जो प्लांट्स हैं हमने लगाए हुए हैं फ्रेगनेंस वाले, तो उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और वीडियो के अंदर और जानकारी के साथ। बाय बाय।